यार फ्रैंकलिन ये तो सच में कूद गया यार। हाँ तो तुझे क्या इतनी देर से मजाक लग रहा था? मेरे जिमी बेटा, जिमी आंखें खोल बेटा, आंखें खोल। खुली हुई तो है बेईमान की, उठ ऊपर। अब बकवास ना कर तू माइकल, मैं मुंह तोड़ दूंगा तेरा। बच्चे ने अभी छलांग लगाई है इतनी ऊंची। एम्बुलेंस को कॉल करे मेरे। हाँ बेटा मैंने कर दिया एम्बुलेंस को कॉल, बस आती ही होगी। चलो यार अभी मैं जा रहा हूँ, नया नया पेट्रोल डलाया अपनी एम्बुलेंस में यार। और इसका ना जो है ना सायरन भी खराब हुआ है, मुंह से बजाना पड़ता है। देखो यार हट भी नहीं रहे, बेगैरत लोग हैं, समझ रहे हैं ऐसे ही कोई गाड़ी वाले सायरन बजा रहे। यार अभी घर के करीब पहुंचने वाला हूँ। आइसक्रीम बेच रहे हो क्या कर रहे हो? यार इमरजेंसी होगी उधर पहुंचने। मैं आपको बताने वाला था, वो एक बंदा है उसकी मुझे कॉल आई है, कह रहा है एक नौजवान लड़के ने छत से कूद के खुदकुशी कर ली है। देखो यार मतलब कितनी फिक्र करने वाली बात है, हमारी कौम किधर जा रही है यार, किधर जा रही है हमारी कौम। देखो छत से कूद के लड़कियों के पीछे खुदकुशी कर लेते, मेरी भी जवान औलाद है, मैं भाग भाग के इधर पहुंचूं। मैंने कहा इस बच्चे को बचा लूं, नौजवान बच्चे को सबक दूंगा कि बेटा ऐसे लड़कियों के पीछे खुदकुशी नहीं करनी। भाई भाई उठ जा जिमी, जिमी उठ, जिमी आंखें खोल, जिमी जल्दी करें, मैं यहाँ पे आ गया हूँ, जल्दी करें। छोटे छोटे इधर से हिलना नहीं, ठीक है? आसानी है ना? ठीक है अंकल, ठीक है बिल्कुल। हड्डियों में दर्द तो नहीं हो रही बेटे? नहीं नहीं कोई दर्द नहीं हो रही। हाँ बस ठीक है, अभी आराम से हम पहुंच जाएंगे। आ जाओ भाई, आप भी अंदर बैठ जाओ। हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ, ठीक है मैं भी आ रहा हूँ। तू किधर आ रहा है? तू इधर बैठ, तुझे अपनी गाड़ी की बहुत फिक्र है ना, तू गाड़ी के पास बैठ, चुमिया पपिया कर उसको तू, ठीक है? ओ यार देख मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, ठीक है ना, बकवास नहीं कर, मैं गाड़ी के पास ही बैठ जाऊंगा, ठीक है ना? हाँ जा जा अपनी गाड़ी के पास जा, उसको लेके जा और मर जा उसके साथ, कब्र में चला जा तू, ठीक है? और मेरे भाजे को मारने वाला तू है और तू इसका कातिल है, ठीक है? जो भी है कातिल है, ज्यादा फिल्मी लाइनें नहीं बोल। हैं चले आप दोनों का झगड़ा छोड़े, अभी बच्चे की हालत बहुत नाजुक है। खैर लग तो नहीं रही, मुझे तो लगता है छोटी सी दीवार के ऊपर से खुद है। ये लोग ऐसे ही बहुत सेंटीमेंटल ड्रामा बना के बैठे, इनको कोई पता नहीं है बच्चे शच्चे को कुछ नहीं हुआ। मैं रोज ना अपनी इसी एम्बुलेंस में सीरियस लोगों को लेके जाता हूँ और ये बच्चा बिल्कुल ठीक है, हटा कटा पड़ा हुआ, उधर ही खुद ही कह रहे मुझे एम्बुलेंस में डालो, मुझे लेके जाओ। बेटा तुझे कुछ नहीं होगा बेटा। जिमी बेटा दर्द तो नहीं हो रहा ज्यादा? हाँ बेटा दर्द तो नहीं हो रहा। ओ तू चुप कर माइकल, तू ना पूछ इससे, समझ आई ना? तेरी वजह से इसने खुदकुशी करने की कोशिश की है। मेरा भांजा, किसको जीने की ख्वाहिश नहीं होती, अभी तो ये जीना चाहता था और तूने इसको मार दिया। इतना जीने की ख्वाहिश तो हो रही थी। अच्छा बेटा कोई बात नहीं बेटा, मैं तेरा साथ चुप कर, तेरी मैं ख्वाहिश सारी ठीक कर दूंगा, ठीक है ना? फ्री नहीं हो ज्यादा, जीने की ख्वाहिश हो रही थी, तेरी सारी ख्वाहिशें निकाल दूंगा मैं। इसकी इतनी तबीयत खराब है, तू इसको डांट रहा है, टेंशन दे रहा है इसको। जी बाबा टेंशन ना दे, मेरे के लिए सही नहीं होगी टेंशन, तेरे लिए सब सही होगा, बेईमान का बच्चा खुद ही डॉक्टर बन रहा है, इसको मैं ठीक करता हूँ। बाबा सर दबाएं, मेरा सर पे दर्द हो रहा है। ओए बेटा गला दबा दूंगा तेरा, सर पे लगी है मेरे बच्चे को, सर दबा बेईमान का। मैं टांगे दबा रहा था, इधर आ सर कर, इधर सर पे दबाता हूँ तुझे। दुआएं मेरे मामू। हाँ जल्दी करो यार भाई, जल्दी करो, इसकी तबीयत तो खराब हो रही है। हैं हैं कुछ नहीं होता, आपके बेटे को ऐसे ही नाटक कर रहे हैं, नाटक। अच्छा नाटक कर रहा है, आपने कहाँ से सुन लिया, मैं तो दिल में बोल रहा था। ये देखे हॉस्पिटल आ गया, बच्चे को निकाले फौरन से, मैं स्ट्रेचर लाता हूँ, स्ट्रेचर पे निकाले बच्चे को, बच्चे की हालत बहुत नाजुक है, मेरे पैसे दे दें पहले। जी भाई पैसे ले लेना, जल्दी करो निकालो इसको, मर ना जाए कहीं बेईमान का बच्चा। हाँ हाँ निकाल लेता हूँ, अब आगे से हटो काले बम, हटो आगे से। यार क्या हो गया इधर, रेसिज्म शुरू कर दिया तुमने फिर। हाँ तो क्या हुआ यार, वो उधर इमरजेंसी में दो ऑपरेशन चल रहे हैं, दो बंदों का एक्सीडेंट हो गया, उनको उठा के लाए हैं, तो इधर डॉक्टर को मैंने चेकअप कराया जिमी का, तो डॉक्टर कह रहा है अभी थोड़ा कोई खास इतना मसला नहीं है, ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा नहीं हो रही, तो फ्रैक्चर वगैरह हैं, तो वो मैं अल्ट्रासाउंड करता हूँ फिर चेक कर देता हूँ, बता देता हूँ। मुझे तो पहले ही पता था ड्रामे कर रहा है, इतना कोई सीरियस यार हालत देख तू इसकी, देख देखिए मेरी हड्डियों में दर्द है। ओए होए होए जिमी बेटा ठीक करता हूँ। अब जिमी बेटा तूने क्या कर लिया अपने साथ, क्या कर दिया, देख बाजू कैसे उतरे हैं बेईमान के, और तू धक्के किधर मार रहा है, हड्डियाँ टूटी हुई है पहले उसकी। आओ दूसरी तरफ पता करते हैं, वहाँ से उन्होंने कहा है टेस्ट वगैरह करवाओ, इसके चेक कराओ, एक्सरे कराओ, हड्डी तो कोई नहीं टूटी बेईमान की। हाँ एक्सरे भी करा देते हैं, और वो पता नहीं कोई सीटी स्कैम बोल रहे थे, सीटी स्कैम करो, स्कैम करो, स्कैम तो मैं कर लेता हूँ, सारा पता लगवाता हूँ, क्या तू फ्रॉड लगा रहा है, आ जा। जी बाप कोई फ्रॉड नहीं, आपको बेटा मैं तुझे कंधों पे उठा लूं। जी मामू उठा लेना, अभी चलते हैं ना, पहले चेकअप कराते हैं। आजा मैं डॉक्टर से बात करता हूँ, आ जाओ। देखें आपकी तबीयत बहुत सा खराब है, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आपको डिस्चार्ज नहीं कर सकते हॉस्पिटल से। देखिए मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, आप ऐसे ही कह रहे हैं,
देखिए मैं डॉक्टर हूँ कि आप डॉक्टर हैं, मैं आपको बता रहा हूँ आपको बुखार है, आपकी तबीयत खराब है, आपको थकान हुई है। डॉक्टर साहब चुप कर जाओ सारे मरीज, बाकी मैं इनसे बात कर रहा हूँ, इनका ज्यादा सीरियस मसला है। देखिए मेरी बात सुने भाई। हाँ क्या है जी? वो मेरे बच्चे का आपका तमीज नहीं है जब कोई दो मुहज्जब लोग बात कर रहे हो, आप बीच में आके कूद के खड़े हो गए। देखिए ना आप जाएं यहाँ से। कहाँ से जाऊँ भाई? किसको जाएं बोल रही हैं? डॉक्टर साहब को बोल रही हूँ। यार क्या हो गया, भलाई का तो जमाना ही नहीं है, मतलब पेशेंट साहिबा। ठीक है मैं आपको भी डिस्चार्ज नहीं करता, 10-12 दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखूंगा, सीरियस मसला तो नहीं है जी? तो क्या मसला है आपका? ये मसला है, इस बच्चे को चेक करें, नाटक कर रहा है, सच में बीमार है। क्या है आपको बच्चे? ये बच्चे की तबीयत खराब है। गिरा छत से और खुदकुशी की थी। ओहो बहुत सीरियस मसला है बेटा, आप लेटे मैं आपको चेक करता हूँ। जी जी लेटता हूँ, एडमिट करना मुझे। एडमिट कर लेंगे बेटा, कोई मसला ही नहीं है, हमें तो फीस बढ़ानी है। क्या बकवास कर रहे हैं यार, गरीबों को लूटने का आपने सही काम बनाया है। क्या गरीब गरीब लगाई हुई, इतना महंगा तो आपने कोट पहना हुआ है। ओ भाई लंडे से लिया है, कल ही खरीदा था। हाँ तो लंडे में भी इतना महंगा कोट था, पूरे 1500 का था। मैंने तो उनसे मांगा था, मैंने कहा मुझे 500 का दे दो, उन्होंने तो नहीं दिया था मुझे। पता नहीं कैसा जाहिल डॉक्टर है यार, तू जल्दी कर इलाज कर इसका। बेटा लेट जाओ। जी जी लेट रहा हूँ अंकल। हाँ कुछ इतना खास मसला तो नहीं लग रहा, लेकिन मैंने टेस्ट लिख के दिए, सारे टेस्ट कराना जरूरी है। देखिए बंदा जब गिरता है ना तो जिस्म में कौन सी हड्डी टूट गई है उस वक्त नहीं पता चलता, बाद में पता चलता है। तो मैं अभी सारे टेस्ट। अच्छा 10-12 दिन बाद पता चलेगा? हाँ ऐसे ही टेस्ट होंगे, रिजल्ट आएगा। लगा रहे हो, मुझे पता है आप लोग ड्रामा यार, मैं ऐसे चमाट वगैरह मार दूंगा, आप सरी चढ़े जा रहे हो। डॉक्टर जो होता है ये पीछे जो खड़ा है ना बॉडीगार्ड है मेरा। ओए बकवास बंद कर माइकल, वो कोई बॉडीगार्ड शॉट नहीं हूँ, डॉक्टर के साथ इज्जत से बात कर। डॉक्टर साहब देखें आपने मेरे भांजे को ठीक करके भेजना है, और चाहे आप साल भर इसको यहाँ पे रखें। ओहो, साल की फ्री पैसे दे देगा। वो तो मैं फीस बनाने के चक्कर में इसको यहीं पे रखूंगा। मैं तो कहता हूँ मेरे भाई इसको आप ही रख लो, ठीक है ना, हमें कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं रख लूंगा, लेकिन आप बस इसकी फीस भर देना, 14,000 रुपया एक रात का हॉस्पिटल का बिल है, ठीक है? हाँ ये भर देगा, मैं जा रहा हूँ। अब मैं बटवा नहीं लाया, इधर पैसे भर के जा शाबाश। मैं जा रहा हूँ ठीक है ना, गाड़ी के लिए बहुत परवाह होती है ना तुझे। 500 रुपए अब 500 की तरह है। मैं जा रहा हूँ बस, ठीक है, अल्लाह हाफिज। ठीक है मैं मेंढाबाजी से मंगा देता हूँ पैसे। हाँ वो इधर आएंगी और साथ तेरी क्लास भी लेंगी फिर। चलो यार अब मैं निकलता हूँ यहाँ से। अब मैं क्या करूँ यार, मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं है, मेरी गाड़ी तबाह कर दी है इस बेईमान ने। अच्छा खासा प्राडो लेके घूम रहा था, वो भी इसके घर खड़ी हुई है यार, मैं क्या करूँ, मुझे रोडों पे ला दिया इन्होंने। कॉल करता हूँ टैक्सी वाले को, मैं तो जाता हूँ घर सोऊंगा यार, और कोई काम नहीं करना मैंने भाई, शोरूम बंद है, कोई मैं भी नहीं कमा रहा भाई, ये जलील करने लगे हैं मुझे, जलील के बच्चे, मैं भी नहीं कमाता भाई, बैठ जाऊंगा भीख मांगेंगे खुद खाएंगे, ईमान का बच्चा। जल्दी आ भाई टैक्सी वाले। जी साहब। जी साहब मोबाइल बंद करने के बाद बोल रहा है जी साहब। चलो यार जब तक ये आता है यहाँ पे वेट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, आपको हमारी बहुत परवाह हो रही है, बैठ जाएं बैठ जाएं। अच्छा यार ये बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है आजकल, कोई शरबत वाला होगा यहाँ पे? हाँ शरबत वाला, ये इधर गली के नाकर पे बस वो टैक्सी वाला आ गया। ठीक है अपने बिजनेस ना चमकाओ, आपका भाई बेचता है। बैठ जाओ भाई बैठ जाओ। जी जी बैठ रहा हूँ, घर छोड़ दो यार मुझे भाई। जी घर आपका किधर है? घर घर मेरा है यार यहाँ पास में है, ठीक है, लॉस एंटोस में रहता हूँ। जी जी वही बता रहा हूँ मेरे भाई, आपने मुझे घर लेके जाना है मेरे सेफ हाउस पे, ठीक है जी। यहाँ पर जल्दी जल्दी ले जाओ यार। जी, जी। यार झाड़ियों का भी बड़ा फायदा है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, अभी मुझे माइकल की कॉल आई थी, जिमी ने खुदकुशी करने की कोशिश की है यार, उस बेईमान का मुझे पता है, हर वक्त मेरे भाई को जलील करता है, इतना टेंशन में था बेचारा, रो रहा था, मुझे कॉल की मुझे रोना आ गया, मेरा दिल टूट गया यार। अभी जाता हूँ उस बेईमान के लिए फ्रूट लेके, यार मेरा दिल तो नहीं कर रहा फ्रूट शूट ले जाऊं, जाके उसे गालियां दूं, दिल कर रहा है, मेरा भाई इतना रो रहा था, एक तो पता नहीं किन के पल्ले पड़ गया मेरा भाई। आजकल की औलादें कितनी बेईमान औलादें हैं, अच्छा है मेरी औलाद नहीं है, वैसे बीवी भी नहीं है। चलो मैं फ्रूट ले लेता हूं बेईमान आदमी के लिए। भाई किस तरह दे रहे हो किलो, केले और आम? अच्छा देखो कुर्बानी का सीजन चल रहा है, जानवरों के लिए लेने मेरे भाई या फिर बच्चों के लिए? अच्छा कौन से सस्ते हैं? सस्ते तो जानवर वाले कीड़े वाले फ्रूट है, चाइना से आए केले। अच्छा जी जी सस्ते, हाँ जानवर ही है उसी के लिए, ठीक है किलो एक कर दो, जानवरों वाले कीड़े वाले। कीड़े वाले ये केले, इनमें कीड़े भी हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, तल के भी खा सकते हैं कीड़े। हाँ, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, करो करो तल के, इंशाल्लाह तल के आपके घर ले आऊंगा। गाड़ी में बैठ जाए, गर्मी बहुत ज्यादा है। जी जी गर्मी बहुत ज्यादा है और आपको तो ज्यादा ही चढ़ी है, जल्दी बैठो जल्दी करो ले आओ फ्रूट। मैं भी बैठ जाऊँ? हाँ बैठ जाओ, घर तक छोड़ देता हूँ तुम्हें भी।
घर नहीं जाना है यार, अभी मजदूरी करनी है, कुर्बानी का सीजन है, ईद के लिए जानवर लेना है। भाई बार बार क्यों याद दिला रहे हो, पता है मुझे कुर्बानी का सीजन है। अच्छा अच्छा, फ्रूट पकड़ाओ बेकार आदमी। ले रहा हूँ ले रहा हूँ, ये ले मेरा भाई फ्रूट। ठीक हो गया? हाँ दूर से दे दो। ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मेरे भाई। ठीक है यार, फ्रूट तो मैंने ले लिए हैं, चलो मैं पहुँचता हूँ हॉस्पिटल, पता नहीं कौन से हॉस्पिटल, मैं पूछता हूँ माइकल से। हाँ मैसेज तो किया हुआ है उसने, इतनी अच्छी ड्रिफ्टिंग करता हूँ यार मैं। चलो अब जल्दी से अस्पताल पहुँचता हूँ, बेमान का पता करूँ, मर ही ना जाए कहीं। यार जो भी है मेरा भतीजा है, बड़ा दुख हो रहा है मुझे, बड़ा प्यारा सा मोटू सा, इतना प्यारा है ना यार, इतना जो था बोलता है माशाल्लाह। उसके लिए मैं फ्रूट लेके जा रहा हूँ, अल्लाह करेगा बच जाएगा, मैं दम पड़ के जाऊँगा फ्रूटों में इंशाल्लाह। अभी लॉस सैंटोस में पहुँच गया हूँ और 1000 रुपये का पेट्रोल पी गई है मेरा, मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल, ये यहीं यू-टर्न लेना है भाई। ये काली गाड़ी यार कब से मुझे फॉलो कर रही है, मुझे पकड़ तो नहीं लेगी उठा के। ये आ गया हॉस्पिटल, ये खड़ी है एम्बुलेंस, मेरे ख्याल इसी में लाए हैं उसे। ये है जी हॉस्पिटल, वो खड़ा है काला काला बॉम्ब, वो जिमी लेटा पड़ा है, दरवाज़ा खोलो भाई, ये इधर से जाना है। अच्छा अस्सलाम वालेकुम जिमी बेटा। वालेकुम सलाम मेरे चाचू, क्या हाल है मेरे प्यारे बच्चे, क्या ज़रूरत थी आपको खुदकुशी करने की? वो मेरे चाहिए बाबा ने बेइज्जती की थी, फिर मैंने गुतगुसी की थी। लेकिन बेटा ये नहीं करना चाहिए, गलत काम है। अब देखो मैं अब चाचू को भी आपने परेशान किया, मामू को भी परेशान किया, बाबा को भी परेशान किया। मैंने नहीं परेशान किया था फिर। चल बेटा मैं आपके लिए फ्रूट लाया हूँ, फ्रूट शूट खा लो आप, ठीक है? ठीक है। चलो फ्रूट मैं गाड़ी से निकाल के लाता हूँ। आंटी जी अस्सलाम वालेकुम, और किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मुझे बता देना बेटा, तो और चाचू जी here. जी ठीक है बता दूंगा, पर अभी तो इस सेब के अंदर से जो एक चूंटा भाग के गया कीड़ा। बेटा वो फेंक दो, आप सेब खाओ खाली। अच्छे ना करे ना, कितना प्यारा तो जो सेब लाए हैं। माइकल की कॉल आ रही है, ये क्या, दो मिनट कॉल में उठाऊं। हेलो हाँ अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई ड्राइवर? हाँ वालेकुम सलाम, तू किधर है, हॉस्पिटल में क्यों नहीं है तू? यार मैं चला गया हूँ बस, ये ठीक है मैं नाटक कर रहा है जिमी, ज्यादा पूछना शूचना नहीं है तूने भी इसको। यार बच्चा बीमार है, शर्म कर यार माइकल, मैं तो पूछने आया हूँ, फ्रूट भी ले आया हूँ दो चार। अच्छा बड़ा एहसान किया, अब जितलाता ना रहा फ्रूट लेके आया है। अच्छा मैंने कहना था कि जल्दी जल्दी आ जा, रात को मंडी का चक्कर लगाते हैं थोड़ा। ठीक है मंडी का चक्कर लगाते हैं यार, जानवर वगैरह आए हुए हैं देख के आते हैं। रेट बड़े हाई चल रहे हैं, जल्दी आ जा यार तू। ठीक है मैं आ रहा हूँ। देख बेटा सुबह से इन्होंने हमें यहाँ पे बिठाया हुआ, ख्वार कर रहे हैं सारे तेरे, टेस्ट किया इन्होंने और डॉक्टर कह रहा है कोई हड्डी शड्डी नहीं टूटी तेरी, और रिपोर्ट अच्छा। लेने मैंने ऊपर जाना है, ऊपर वाले अस्पताल है उसमें रिपोर्ट पड़ी हुई है अच्छा। मैं लेने जा रहा हूँ, चाचू तो तेरा चला गया खबीस कहीं का। अच्छा आज चलते हैं पीर, मैं भी आ जाता हूँ। हाँ आ जा आ जा। मामू मामू वो देखे सामने चाचू खड़े हुए हैं। किधर? वो इस तरफ जे मोबाइल में लगा घुसा हुआ मोबाइल में। हाँ हाँ आ गया, क्या कर रहा है, किसे मैसेज कर रहा है? हाँ बस मैसेज कर रहा हूँ जरूरी। जी की स्पेलिंग बता। JEE, मेरी तरफ से एक चुम्मा भी भेजी ठीक है, CHUMMA चुम्मा, ये ऊपर से रिपोर्टें लेनी है मैंने। आ जा जिमी बेटा आ रहा है मेरे साथ। आ रहा हूँ मामू। यार जिमी बेटा मुझे समझ नहीं आ रही, तू इतनी ऊंचाई से कूदा और तू बच कैसे गया यार, मतलब एक आधी हड्डी मुझे लगा था टूट गई होगी। आप क्या चाह रहे थे, मेरे की हड्डियां टूट जाती फिर? नहीं नहीं अल्लाह ना करे, मैं क्यों ऐसा चाहूंगा बेटा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ऐसा हुआ नहीं ना कभी जिंदगी में कि कोई बंदा इतनी ऊंचाई से गिरा हो और उसका सब कुछ बच गया हो। आप इतनी ज्यादा सोचे नहीं ठीक है ना बेटा, सोच तो बंदे को आती है ना। देखा मैंने तो पहले समझा जिमी आज गया, आज नहीं बचता जिमी, आज शाम में मैं जिमी के कुल के चावल खाऊंगा। आपने अच्छे सोच रहे थे मेरे के लिए। मजाक कर रहा हूँ बेटा, यहाँ से रिपोर्ट लेनी है। आपने दिखा दिया था फिर। क्या दिखा दिया था बेटा? आपने यही सोच रहे थे कि मैं मर जाऊं। ओहो यार ऐसे नहीं सोच रहा था मैं। आजा चल यहाँ से तेरी रिपोर्टें लेनी है और फिर मंडी भी जाना है यार, तुझे पता है ना कितना मजा आएगा मंडी में, प्यारे प्यारे जानवर। आपके साथ। अच्छा ना सॉरी, क्या खाना है आपने? मैंने बर्गर खाने भाई। और जाओ है बर्गर खाना है, खिलाता नहीं हूँ तुम लोग को बर्गर। और आजा जिमी बेटा चल। जी जी आ रहा हूँ मामू आ रहा हूँ। इतना प्यारा हॉस्पिटल है यार, ओ, ये इतना प्यारा अस्पताल है। इससे पता करता हूँ फाइलों का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर, क्या हाल है? जी ये बच्चे के टेस्ट हुए थे तो उसकी रिपोर्ट्स चाहिए थी मुझे। तो वो तो स्कूल से लेना टेस्ट। टेस्ट वो वाले नहीं यार, अभी इधर आपके हॉस्पिटल में टेस्ट करवाया बच्चे के। अच्छा सिटी स्कैन कराया। हाँ एक्सरे कराया, अल्ट्रासाउंड कराया। वो सामने जाओ ना उधर, अपने बच्चे का नाम बताएं, नंबर बताएं ठीक है, और जो है फाइल ले लें। वो सामने कंपाउंडर खड़ा है ना जहाँ पे लोग खड़े हैं जी। वैसे पहला अस्पताल देख रहा हूँ जहाँ डॉक्टर आके रिसेप्शन पे खड़े होते हैं। देखें एक्सपर्ट अस्पताल है ना, तो इधर एक्सपर्ट लोग रहने दे। एक्सपर्ट अस्पताल ये देखो, लाइन लगा के बंदे खड़े हैं। जी जी फाइल के 10 रुपए अलग लगेंगे, हटो हटो काले।
यार एक सेकंड मुझे फाइल दे दे, मेरे बच्चे का नाम है जिमी, जिमी जिमी की फाइल दे दे आप प्लीज जल्दी करें। 20 रुपए दें एक्स्ट्रा, एक एक पेज का 20 रुपया। और यार क्या कर रहे हो वेले आदमी, सारी फीस मैं जमा करा चुका हूँ, जो टेस्ट है उनके भी सारे पैसे मैं जमा करा चुका हूँ, बस अब मुझे रिपोर्ट्स चाहिए वो दे दो। भाई ये अभी नवाज शहबाज शरीफ ने ये काम शुरू किया, उसने इधर टैक्स लगाया है, जल्दी पैसे दो। अरे मुंह पे चमाट लगाऊंगा, पकड़ 20 रुपए साले। हाँ, देओ क्या तू देगा फाइल्स, जल्दी कर फाइल्स उठा लो ना पीछे पड़ी है टेबल पे। यार ये इतनी ज्यादा फाइलें क्यों है, दूसरी लोगों की पड़ी है वो भी ले जा। हाँ सही है, सारों की फाइलें मैं ही ले जाता हूँ, रद्दी बेच के पैसे कमाना। हाँ पैसे कमा लोगे, पैसे कमाने का अच्छा तरीका है। चलो भाई अच्छी खासी दिहाड़ी लग गई है और आज तो इंशाल्लाह अच्छी कमाई होगी। जिमी बेटा यहाँ पे क्या कर रहा है तू? जी मामू वो जूस पिलाए ने तोड़ तक गयू, इतनी भूख लग रही है। वाह मैंने तो समझा था तू खुद ही किसी कैंटीन में घुस गया होगा, अब तक कैंटीन मेरे पास चोर मुझे ले लेते ना मेरे बेटे, आज मैं जूस पिला दूँ। जी आ जाए भारी, ये इधर अंदर कैंटीन नहीं है क्या कोई? है ना इधर शरबत वाली, एक है शरबत। हाँ शरबत पिलाता हूँ अपने बच्चे को, आ जा। बोतल पीते हैं? हाँ बोतल पीते हैं, लेज खाते हैं। शुक्र है तू ठीक हो गया यार, तूने मेरी जान निकाल दी थी कसम से। ठीक हो गई अल्लाह का शुक्र है, वैसे ही मेरी बाबा बेइज्जती कर दे। मामू इधर चला गया जल्दी आ। मामू कितने मजे की फैंटा थी। हाँ और तो नहीं पीनी? नहीं नहीं बस मजे की। चल शुक्र है 5 बोतलों से तेरा पेट तो भरा है। और अभी बर्गर खाएंगे बाहर जाके। हैं मंडी नहीं जाना फिर क्या? हाँ मंडी भी जाना, रात रात को जानवर देखेंगे बैठे। रात में जानवर बड़े प्यारे नजर आते हैं। जी मामू चले आ जाए उधर की तरफ सीढ़ियों से नीचे। ओ जे देखे ना ट्रैवर चाचू। हाँ ये तेरे ट्रैवर चाचू को सकून नहीं है, भटकती भी रूह है पूरी। यार कब से गए हुए हो, मैं कब से उधर इंतजार करूँ तुम्हारा। क्यों मोबाइल में नहीं घुसना था तूने? यार वो बाबे को 5000 इजी पैसा सेंड किया फिर रिप्लाई नहीं कर रहा वापस। बड़ा अच्छा इलाज किया बाबे ने तेरा। चल हमें छोड़ के आ ड्राइवर घर तक, छोड़ के आ हमें। ड्राइवर श्राइवर नहीं, आगे बैठेगा तू। आगे बैठूं या पीछे बैठूं? है तो तू ड्राइवर ना, आ जा चल। आ रहा हूं। ठीक है बैठो चलो जल्दी करो। हाँ हाँ बैठ रहे हैं। और जरा वॉल्यूम जो है ना अपना इसको आहिस्ता रखा कर, ठीक है ना? चल चल चपाट बच्चा नहीं दिखाया करे मेरे मामू को। मुझे गुस्सा दिखाया ना जिमी को माइंड कर जाता है फिर। जिमी जिमी कौन होता है भाई? जिमी कौन होता है? जिमी मेरा भांजा होता है। पापा से आपकी बात हुई है? बात हुई है बेटा, बड़ा गुस्से में था, कहता है जिमी ठीक हो इंशाल्लाह सारे गुस्से निकालूंगा। अच्छा मैं ही निकालेगा गुस्से, मैं क्या मर गया हूँ जो गुस्से निकालेगा? तू फिर से दोबारा खर्चा कराऊंगा, खुदकुशा करूंगा। बेटा पहले खुदकुशी किया, खुदकुशा करेगा। रोज रोज यही ड्रामा लगाऊंगा, छत पे चढ़ जाऊंगा और रोले डालूंगा। चुप हो जा बेटा, ऐसी ऐसी शरारत है मेरी। लोग समझेंगे बच्चे को अगवा करके लेके जा रहे हैं, तू रोला डालेगा। शादी शोर की मंडी ले जाऊं या इधर की मंडी ले जाऊं? पहले पापा से तो बात करे ना, वो भी साथ क्या बता दे। हाँ चलो घर जाते हैं ना, और तुझे भी देखेगा इंशाल्लाह, थोड़ा गुस्सा शुस्सा उसका ठंडा होगा। जी जी फिर मैं ठीक हो गया उनको बताना। फिर मैं तो कहता हूँ चाय शाय पीते हैं, घर जाता है मेंढाबाजी के हाथ की बनी हुई चाय पीते हैं, फिर रात को जाके कहीं जाएंगे मंडी। यार क्या कहते हो? अभी रात होने वाली है, बाद मगरिब होगी ईसा होगी फिर। एक काम करते हैं ना, 7 पकौड़े समोसे इधर से पकड़ लेते हैं और चाय के साथ बैठ के खाएं पियेंगे। बैठ के खाएं पिए नहीं ना, अभी चाय के साथ तो मैं नहीं बैठ सकता। हमने गाय देखने जाना है ना। चलो कॉल करें पापा को, खुद ही बाहर आ जाएंगे हमारे कट्टे को बहुत। चल ठीक है कॉल करता हूं मैं इसको। जल्दी जल्दी करें। हेलो कॉल ही नहीं उठा रहा, 2 मिनट रुक जा। 1 मिनट जल्दी जल्दी कॉल करें। हां कर रहा हूं। माइकल का नंबर किधर है? ये आ गया माइकल का नंबर। हेलो हैंग आउट ना कर। हेलो माइकल बिजी जा। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम पापा, क्या हाल है भाई? हाँ ठीक ठाक, बाहर आ घर के बाहर खड़ा हूँ। हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ, बस कपड़े पहन के आ रहा हूँ। हाँ, गंदा बैठा हूँ क्या? नहीं नहीं दूसरे कपड़े चेंज करके आ रहा हूँ। अच्छा पता नहीं ये कौन शोर मचा रहा है, बाहर जाके देखना पड़ेगा। माइकल आ गया भाई, व्हाइट कलर का जोड़ा देखो गाइस कैसा लग रहा है, नया नया कपड़ा निकाला है मैंने आज। माशाल्लाह बड़ा प्यारा लग रहा है, बैठ जल्दी का टाइम नहीं है। हाँ बैठ रहा हूँ बैठ रहा हूँ, बैठ गया हूँ बैठ गया हूँ। जिमी आगे हो जा। जी पापा हो गया हूँ। खुली जगह खुले होके बैठो। जिमी सेट है अब तू? जी पापा थोड़ी खराब है अभी भी तबीयत है ना मामू। हाँ अभी इसकी तबीयत खराब है, डॉक्टर कह रहे हैं इसको कंप्लीट बेड रेस्ट देना है। और उन्होंने कहा किसी ने भी इस पे गुस्सा नहीं करना। अच्छा अभी मंडी बता, सैंडी शोर्स ले जाऊं या लॉस सैंटोस की मंडी ले जाऊं? बस ये यार पास में जो मंडी लगती है ना, यहाँ पर एक बड़ी सी मंडी है फार्म हाउस। यहाँ पर आज तो बकरे हैं सिर्फ। यार वैसे हमने बकरा थोड़ा ही ना लेना है, हमने तो बैल लेना है ना।
देख लेते हैं ना यार, मिल जाएगा बेड़ा भी। मैं, मुझे तो बस खबर मिली है कच्ची पकी। हाँ यार, और अगर ना भी हुआ तो अभी ईद में काफी टाइम है, हम बार बार मंडी के चक्कर तो लगाते ही रहता है ना, उसमें क्या मसला है। चलो ठीक है, कोई नहीं, ईद तक तो मंडी भरी रहती है। लेकिन जो तुम लोगों ने मेरी गाड़ी का हशर किया, अब ईद से पहले मुझे मेरी गाड़ी ठीक करा दो यार। छोड़ देना, तू नहीं ले ले, वैसे भी हमने इंश्योरेंस भी करानी थी गाड़ियों की। हाँ, अगर पहले इंश्योरेंस कराई होती ना तो आज ये गाड़ी भी बच जाती मेरी। बस छोड़ दे गुस्सा यार, दिमाग में नहीं आई ना बात, दिमाग में नहीं आई। देख, अब एक एक्सीडेंट हुआ है, उसकी वजह से हमारे दिमाग में एक बात आई है, शोरूम की सारी गाड़ियां, उनको भी कोई ना कोई खतरा हो सकता है। ठीक है, तुझे पता है कितने हमारे दुश्मन है इधर उधर आसपास में। अच्छा, तो कोई कोई हमारी गाड़ियों को, शोरूम को आग लगा जाए तो फिर हम इंश्योरेंस करा लेते। मेरा दुश्मन इस बेईमान से बड़ा तो कोई नहीं है दुश्मन। अच्छा बताओ कौन सा दुश्मन है? मैंने तो कोई दुश्मनी नहीं की थी यार। तू बच्चे को रुला रहा है, अभी तुझे बताया डॉक्टर ने, कहा उसको टेंशन नहीं देनी। अच्छा अच्छा ठीक है, यहाँ तो कोई मंडी नहीं लगी हुई यार, अंदर लगी बंद है। यही रोकता हूँ गाड़ी, आगे देखते हैं ना मंडी लगी होगी इधर ही। अच्छा, हर बार इधर ही लगती है। यार मुझे तो नहीं लग रहा यहाँ कहीं मंडी है, तू ड्रामे लगा रहा है ड्राइवर। चल ना अंदर जाते हैं ना, देखते हैं। यहाँ मैं गाड़ी खड़ी करता हूँ, उतरो सारे। चलो आ जाओ यार, फिर आ जाओ। चलो यार देख लेते हैं, वैसे ख्वार ही करा रहे हो तुम लोग। मैं कह भी रहा था अभी थोड़ा टाइम है, बाद में जाके देख लेते हैं यार, पर तुम लोगों को ना बहुत शौक है पहले जाना। बाद में यार क्या करना है, अभी बस हम ऐसे ही जा रहे हैं रेट शेट पता करने। हाँ ये है, रेट पता हो तो बाद में हम बेचते भी है ना जानवर, बैल वगैरह। ये बात, और बकरी शकरी भी बेचने हमने। तुझे तो पता है मेरे गांव से सस्ती मिल जाती है चीजें। इस बार तो मैं सोच रहा हूँ ऊंट लेके आते हैं। हाँ ऊंट, ऊंट कसम से तो घोड़ा ले आते हैं। ये खोता मंडूसा, खोता एक काफी नहीं है, बेईमान के बच्चे, जलील के बच्चे। फिर डांट रहे हो इसे यार, यहाँ तो कोई दूर दूर तक मंडी नहीं। तो गधों जैसी बातें करता है यार ये बच्चा है ना यार। इतनी प्यारी बातें करते हो, चुप करो ओए, गुचमुच ना करो। वो देखो ओए, भेड़िया खड़ी हैं। आहिस्ता बोलो, कान फाड़ा है ओए। वो देखो, हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, गाय खड़ी है। तो भाई क्या रेट है भाई गाय? 5 लाख रुपए। ओ भाई तो अबा कर रहे, 5 लाख रुपए नहीं हुए ड्राइवर? नहीं ले रहा, नहीं ले रहा, फिकर नहीं कर। इधर आ जाए भाई, इधर आ जाए। हाँ बता कितने की है? ये मेरी वाली 6 लाख की है। 6 लाख की एक चमाट कितनी प्यारी नोटी गाय। नोटी गाय चुपू चुप हो जाए, तेरी तेरा साइज भी इसी गाय जितना है। जय वाली गाय पूछे, ये पूछ पूछ कितने की है भाई? 4.5 लाख की। 4.5, ये बाकी से नहीं, नहीं यार महंगी है यार, वैरी भी महंगी है यार। आजकल वैरी वैरी भी 2-2 लाख के मिलते हैं, 4.5 लाख की गाय दे रहे हैं। बहुत महंगी दे रहे हैं भाई गाय, तोबा तोबा, अल्लाह माफ करे, इतनी महंगी दे रहे हैं। छोड़ देने दे यार, सैंडी शोर्स आ जा। वो गाड़ियों की इंश्योरेंस का पता करते हैं, ठीक है आज इंश्योरेंस करा लेते हैं, उसके बाद जाएंगे सैंडी शोर्स पता करने। उधर सस्ते सस्ते बैल मिल रहे होते हैं, वो लेके आ जाएंगे। मेरी हिलेक्स की भी इंश्योरेंस करा लेंगे। इंश्योरेंस? हाँ इंश्योरेंस के पैसे दे देंगे ना, फिर करा लेंगे। तेरी भी करा लेता, कोई पता नहीं कल को तू भी मर जाए। है ये भी ठीक है, बकवास बंद कर काला बॉम्ब। हमें जलील करा रहा है यार तू हमें ड्राइवर। सही बात है, ये 4 गाय खड़ी हुई है और ये कह रहा है मंडी लगी हुई है, बहुत बड़ी मंडी। कह रहा था करीब वाली मंडी में मिल ले जाओ, मैंने कहा भी था लॉस है, सैंडी शोर्स चलते हैं। उधर भी ऐसी मंडी लगी होगी यार, देखो बाद में चले जाएंगे। पापा अभी चलते हैं। अभी नहीं चलते ना बेटा, थप्पड़ खाने हैं तूने। ओ भाई छोड़, ऐसी टेंशन दे रहे हैं मामू। ओ देखो, ओए टेंशन ना दे ओए। अच्छा अच्छा बकवास नहीं करो, डॉक्टर ने मना किया इसको टेंशन नहीं देनी। जी मैं आगे बैठूंगा, टेंशन फिर मुझे नहीं होगी। आज ही पीछे बैठ कर टेंशन होती रहती है। जरा मेरे हाथ भी दबाता रहा, हल्के हल्के दर्द हो रहा है आज। गला दबा दे एक ही बार चाचू का। मैं पहले कुछ ही तक हूँ बीमार हूँ यार, जब तुझे बोलता हूँ सर सर दबा दे, तू कहते मैं तक्को है। यार चुप करो, अब ड्रामे नहीं लगाओ। अच्छा वो लेके जाओ उधर इंश्योरेंस वाले ऑफिस में, ठीक है। मैं तो कहता हूँ अल्फला बैंक चलते हैं, उधर अल्फला इंश्योरेंस है, ठीक है उनसे इंश्योरेंस करवा लेते हैं, ठीक है। वैसे भी मेरे जाने वाले हैं, और वो जो फुली कॉम्प्रिहेंसिव आई थिंक उसका नाम है इंश्योरेंस का, वो वाली इंश्योरेंस करवानी है, ताकि गाड़ी का जो भी डैमेज हो वो खुद भरे, ठीक है ना। हाँ। मेरी गाड़ी भी करवानी है इंशाल्लाह, फिर ठोकूंगा गाड़ी, खुद नहीं निकलवाऊंगा। हाँ। ऐसे नहीं होता मेरे भाई, उनको पता चल जाए ना केस शेस कर देते हैं। हाँ ऐसे बेईमानी नहीं, अभी ये जैसे जिमी ने हरकत की है, मेरा तो ख्याल है इसका भी कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकते हम लोग, है ना। क्यों नहीं क्लेम कर सकते यार, किसी ने आके ठोकी है, गाड़ी खड़ी हुई थी, ट्रक वाले ने आके गाड़ी को मारा है, गाड़ी वो गई है दूर दूर तक। अच्छा अच्छा सही, फिर तो कर सकते हैं यार। और बीमा पॉलिसी क्या होती है? वो डीमा पुलिसी ये नहीं होती, जाहिल आदमी है, मैं अपनी बीच में अकल घुसेड़ता है यार। छोटी सी अकल है तेरी ड्राइवर, जो तेरे काम है ना ड्राइवर वाले वो किया कर, ठीक है। बकवास बंद करो, इंश्योरेंस का पता करते हैं, ठीक है सारी गाड़ियों का। इधर बंदा रहता है मेरा दोस्त, फेवरेट चाय पी मेरे ढाबे। पहले चुप करना है, यहाँ पे पता कर लेते हैं उस बंदे से, ठीक है आ जाओ। चल आ जा। हाँ यही है यही है, दरवाजा खटखटा इसका। हाँ खटखटाता हूँ। देखो मेरे भाई इंश्योरेंस का ये सीन है माइकल भाई, कि इंश्योरेंस का इस तरह होता है कि अगर आपकी लैंड क्रूजर है ना 5 करोड़ की मसलन, जी जी, तो उसके साथ हम लेंगे 15 लाख रुपए, ठीक है। तो इंश्योर कर देंगे,
तो कोई भी एक्सीडेंट होगा तो कोई मसला नहीं होगा। जी जी बिल्कुल। तो फिर वो हम रिकवर करेंगे। आप गाड़ी कहीं ठोक देते हैं गलती से, खुद नहीं ठोकनी, ये ना हो जाके ठोक रहे हो तो ऐसे गलत बात होगी। जी जी, कौन, जी, नहीं, कौन सर मारेगा अपना दीवार में, ऐसे नहीं करेंगे। खैर ये बताएं, अभी हमने आपको चेक जो दिया है वो आप बैंक में कब तक जमा कराएंगे, क्योंकि अभी तो आप घर पे बैठे हुए हैं और बैंक भी मेरे ख्याल से बंद हो चुके होते हैं इस टाइम। जी जी 5 बजे तक बंद हो जाते हैं, तो मैं सुबह करा दूंगा यार, ट्रस्ट नहीं है तो आप खुद आ जाना, इतबार नहीं करना भाई, तो ले लो मेरे से। हम सुबह खुद आ जाएंगे। खुद आ जाना यार, कोई मसला नहीं यार। माइकल भाई इतबार ही नहीं करते यार, इतबार तो करना पड़ता है ना, ट्रस्ट तो करना पड़ता है। और ट्रस्ट नहीं करना पड़ता भाई। जी जी बाबा, इतबार नहीं करते, धोखा देते। काम करें हम अपना, अब हमें ना अपना शराफती कार्ड दे दे। चलो यार चुप करो, नहीं लेना नहीं कराना माइकल भाई, तो बताओ। नहीं नहीं ठीक है ठीक है, एतबार है यार आप पे, दोस्त पे एतबार करना पड़ता है यार। हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं यार, आप खुद आ जाओ सुबह, करा लेना मेरे साथ, ठीक है। ठीक है भाई, देख लेना फिर कुछ हुआ तो आप। अच्छा चलो छोड़े बाकी बातें, एक कप चाय पिला दें यार, बहुत थका हूं। अच्छा चाय पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं, चाय मैं आपके लिए मंगाता हूं। साथ बिस्कुट मंगाए, बिस्कुट बस। और बाकी सुनाए, आपने कुर्बानी पे कोई जानवर लिए है? कुर्बानी यार अभी सोच रहे हैं, अभी दूर है यार, एक महीना रहता है पूरा। चूचे की शक्ल का, चलो यार इनके लिए चाय लेके आता हूँ। एक तो चाय पिलानी पड़ेगी मुफ्त की यार, पैसे टेंशन, लेकिन पैसे बहुत आ रहे हैं, मुनाफा कमाऊंगा इनसे। चलो अभी जल्दी से इनको चाय पिलाता हूँ। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका। नहीं नहीं माइकल भाई, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, सुबह आप आ जाना, इन बंदों को या तो भेज देना, हम इंश्योरेंस करवा लेंगे। ठीक है जी जी, कोई कोई मसला नहीं, कोई मसले वाली बात नहीं। गाड़ी मैं चलाऊंगा भाई। और मैं ही चलाऊंगा ना, क्या हो गया, तकलीफ हो गई है यार, तू ठोक देगा फिर। नहीं ठोकूंगा यार, तेरे से तो एहतियात से चलाता हूँ, क्यों फ्रैंकलिन? हाँ यार भरोसा तो कर, बड़ा भाई है तेरा आखिरकार। मेरे ही पैसों से गाड़ियाँ लेता है और फिर मुझे ही यार तू ऐसे कहता है यार। ड्राइवर ये देख, दरवाजा खोला है। जिमी को जल्दी है बैठने की भाई, नहीं यार चीजें नहीं चोरी हुई भी, ये फ्रैंकलिन ने दरवाजा ही बंद नहीं किया था, है ना फ्रैंकलिन? फ्रैंकलिन सही सही जलसी दिखा। यार जलसी वाली कौन सी बात है, मैं भाग के गया हूँ, मैंने कहा तुम लोग मेरे बगैर ना इंश्योरेंस की डील कर दो, तो मैं भाग के गया, मैंने कहा मैं भी इधर जाके बातें शातें सुनूं। अम्मी कहती थी कि बड़े लोग बैठे हों उधर बातें सुना करो, छोटे बच्चे, इस तरह तुम्हारा दिमाग जो है ना वो पक्का हो जाएगा, जहन पक्का हो जाएगा और तुम होशियार हो जाओगे। ये बात है, ये बात, छोटे बच्चे ही रहना सारी जिंदगी, बड़े ना होना कभी। मामा कहती है जाके बातें तो न करे चुपके, सारे बेटे तू अपनी मामा की बातें इधर ना बताया कर, मेरे बच्चे तेरे अंदर अकल। बेटा आप लोगों का तो खानदान ही ऐसे ही है, क्या करें, आपके मामू, आपके मामू भी ऐसे ही हैं। बेटा आप लोगों का तो खानदान ही ऐसे, आपका भी खानदान ऐसा ही है, आप भी ऐसे छुप छुप के बातें सुन रहे होते हैं, मेरे और जिमी के पीछे आप दोनों आ जाते हैं बातें सुनने के लिए, ट्रेवर और माइकल साहब। आपका खानदान भी ऐसे ही चंगड़ों वाला है। मतलब तुम दोनों की पर्सनल बात क्या हो रही है, हमारी बुराइयों के अलावा कोई काम होता है तुम दोनों का? तो तुम लोग क्या कर रहे होते, तुम लोग भी तो हमारी बुराइयां कर रहे हो, तो हमें हक होता है पूरा सुनने का, जब हमारी बात होगी हम सुनेंगे। देखो मैं डर के बुराइयां नहीं करता, तुम्हारे सामने बुराइयां करता हूँ। तो मैं... हम भी सामने करते हैं, खुल के सीना तान के, सीना चौड़ा करके। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कल सुबह जल्दी शोरूम पे आ जाना, ड्रामा नहीं लगाना, ठीक है ना? ड्रामे तो मैं नहीं लगाता हूँ, मैं तो फिल्में लगाता हूँ। और पापा स्कूल से सुबह नहीं जा पाऊंगा, मैं बीमार हूँ। हाँ बहुत बीमार है, 10-12 दिन तो छुट्टियां होंगी अब तेरी, देख तुझे मसला इतना बड़ा हुआ है ना, शोरूम पे तू भी आएगा, ठोक ठोक मेरी गाड़ियां ना ठोक, सॉरी शोरूम पे तू भी आएगा जिमी बेटा, ठीक है ना, काम करेगा उधर। ठीक है पापा, बातों बातों में मेरी गाड़ी ठोक रहे हैं। सुबह जल्दी शोरूम पे आना, ठीक है, शोरूम पे काम देखेंगे, उसके अलावा मंडी जाएंगे, जानवर भी लेके आएंगे और जानवर बेचने भी हैं इस बार दोबारा, ठीक है ना? यार सारे काम है और हम नन्ही जान है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। और बाकी ये कहना था यार, तुम तो चुप करो, और बाकी आप लोगों को ये कहना था कि आप लोग जाएं और अगर आपको कोई भी मॉड चाहिए, ग्राफिक मॉड या फिर कोई भी दूसरा मॉड, गाड़ी का मॉड, हिलक्स का मॉड, जैसा मुझे अंडे का मॉड, तुम अंडे का मॉड जाओ, अंडे का मॉड, अच्छा जो भी आपको मॉड चाहिए, हमारी वेबसाइट gaminginfo076 गूगल पर सर्च करें और वहां पर जाकर जो फर्स्ट वाली वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर आप ये सारे मॉड्स डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, ये मुझे बहुत ज्यादा जलील कर रहे हैं, अंडे वाला बर्गर, देखो तंग कर रहे हैं, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। और हाँ एक और बात, इस वीडियो का लाइक एम है 500 likes, जो कि आप 1-2 दिन में कर दे तो यार बड़ी अच्छी बात है, ताकि हम आगे मंडी सीरीज भी स्टार्ट कर सकें और बहुत सारा फन आने वाला है। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, वीडियो को लाइक भी कर दो और 500 likes 2 दिन में कंप्लीट करवा दो यार।